स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन होता है लार्ज टू स्मॉल, मींस घटता हुआ क्रम, या ये कहें कि बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास में कोई नंबर है 20, 30 एंड 50, तो इसे हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन होता है लार्ज टू स्मॉल, मींस सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 50, ठीक है। 50 से छोटा 30 और 30 के बाद 20, ठीक है। इसी तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 82, 17, 75, 59 एंड 72। तो इसमें देखेंगे सबसे लार्ज नंबर क्या है हमारा। सबसे लार्ज नंबर है इसमें 82, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 82, इसके बाद 75, इसके बाद 72 एंड 59 एंड देन 72, ओके। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मींस इन्हें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मींस होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मींस होता है जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है हमें 74, तो इसमें 4 की प्लेस वैल्यू है हमारी 1s, ओके, एंड 7 की प्लेस वैल्यू है हमारी 10s, ओके। तो इसे लिखेंगे हम 7 10s एंड 4 90 6। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, ओके। थैंक यू।